दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दरबार द यूनिटी ऑफ फ्रेंडशिप के द टॉक शो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कानपुर में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। वो शोर ये था कि आपसे मिलने आए हैं फला भैया, आए हैं फला भैया, बड़े सुशील वही जाएंगे मोती। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हालांकि ये शोर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है पूरे कानपुर में, लेकिन इस शोर से आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वैसे ये हमारे हिंदुस्तान का रिवाज है, चुनाव के दौरान, चुनावी सभाओं के दौरान आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप POGO देखो। POGO मतलब पोगो देखिए आप। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे शख्स मिलाने जा रहे हैं जो पार्षद प्रत्याशी में खड़े हुए थे, वो तो भाग गए हैं, हार गए हैं। उनका जो चेले हैं और कुछ लोग भी आए हुए हैं, तो उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपसे। हेलो हेलो, नमस्कार। अरे इधर। हाँ, तो आप सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये कि हम इनसे नाम पूछना भूल गए थे पिछले इंटरव्यू में, तो आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम है पापा सिंह। हाँ, तो इनका नाम दुनिया के पापा है। पूरी दुनिया के पापा हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके साथ जो आपके नेता थे लोटा प्रसाद, वो इंटरव्यू देने क्यों नहीं आए? क्यों आए बताइए। अरे इनको आना चाहिए, अपने जनसंपर्क करना चाहिए। हमने ये बात क्या झाड़ू लगाने आएंगे? फालतू बात करते हो। हाँ बात तो सही है, लेकिन उनमें क्षमता है क्या? सारे सवाल उन्हें पूछोगे, हमसे नहीं पूछोगे? नहीं, तुम काहे बोलो, हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम अपने इंटरव्यू। हाँ हाँ भैया, आप अपने बारे में इंतजार कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप परेशान मत हो। अरे यार क्या है, अरे भैया हमको इंटरव्यू लेने दो, अभी बाद में ये सब जो रखा हुआ पी लेना बाद में। भैया कुछ टीवी में दिखाना जरूरी है, हमारा बजट मेरा भाई चले जाएंगे तो। माइक बोल लिया करो, माइक मुंह में घसोड़ लिया करो, कुछ बोला करो तो। अरे भैया आप अगला लाओ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि लोटा प्रसाद आखिर गायब कहाँ हो गए, वो चले कहाँ गए? चुनाव के बाद तो वो विलुप्त हो गए, दिख नहीं रहे हैं। देखिए ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन भाई इतना मालूम है वो लाखों का कर्जा लेकर यहाँ से गए, अब कहाँ गए भैया राम जान। तो कर्जा किस लिए लिए थे? नहीं यार, चुनाव के खर्चा के लिए, और कहाँ के लिए कर्जा लिए? मतलब खर्चा कहाँ कहाँ या क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब हमको बताएंगे? आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएंगे? देखो तुम जिंदा कैमरा पे उससे तुमको क्या मालूम, कितना एक मिनट का चुनाव के दौरान कितना खर्चा आता है, इतना कैमरा नहीं बताएगा। अरे बताएं क्यों नहीं आप? तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। हाँ, तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। पहले तो उन्होंने टिकट के पैसे के लिए खर्चा किया, समझ रहे हो? उसके बाद उनका चुनाव प्रचार के लिए पर्चे, बैनर, पोस्टर, दिन भर भोपाल में रिक्शे से वही आपसे मिलने आए नेता भैया, सब में पैसा उनका डूब गया, तो हार गए, हुआ नहीं था। मतलब सुनने में आया कि उन्होंने शराब भी बटवाई है, बियर भी बटवाई है। या जो बियर पीते थे उनके लिए बियर, जो शराब पीते उनके लिए देसी। मतलब उन्होंने अपने अरमानों पे शराब फेर दिया। बिल्कुल फेर दिया, भाग के हार। थोड़ा दुख हुआ सुन के? हमें क्या दुख होगा, हमारे पास तो है ना। तो सही है भैया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यार, वो भी मांग रहा, तुम भी मांग रहे, मेरे पास है भी नहीं। ये सब काट दोगे ना तुम? नहीं, सब हमारी जनता देखेगी। भाई साहब एक बार तो उनको एक भी वोट नहीं मिला। एक भी वोट नहीं मिला, मतलब खुद का तो वोट गया होगा, खुद का तो वोट दिया होगा, एक वोट तो मिला होगा। नशे में गए थे वहाँ वोट देने, दूसरी पार्टी को दिया। तो भैया ये हैं हमारे पार्षद प्रत्याशी जो नशे में वोट देने जाते हैं, दूसरे पार्टी को वोट देके चले आते हैं। तो अच्छा हुआ कि वो पार्षद चुनाव नहीं जीते, नहीं तो भैया जैसे उन्होंने पहले बोल दिया था कि उनके विचार कुछ सोचते थे कि जीतेंगे तो नारी भरवा देंगे गंदगी से, अच्छा हुआ चलेगा। तो चलिए अब हम आपको एक दूसरे कैंडिडेट के पास लेके चलते हैं।
तो भैया आप पूरा कर लेना उनको, इधर भेज दो, इधर भी लेना उनका। हम अपनी गति का है छोड़े, छोड़ दो भैया, हमने चुनाव के लिए नहीं लड़ा तो ये सीट नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया चलो हम उधर चले जाते हैं भैया, ये नशे में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नहीं तो हम ही तो खेलने लगेंगे भाई साहब। तो चलिए हम चल के लिए चलते हैं एक और कैंडिडेट के पास। सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। राघव शर्मा जी। राघव शर्मा, आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि कानपुर में मतदान 50% से भी कम है? एक ही कारण है, जनता का जागरूक ना होना। जनता का जागरूक ना होना, तो कोई और दूसरा कारण हो सकता है? किसी यही कारण है जनता का जागरूक ना होना? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरा कारण होगा। आपको लगता है जी? आपने ये बात तो सही कही कि जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है मतदान। गाने सुनेंगे या हमें लाओ, मेरा ही पैसा लगा और हमको नहीं दे। चलो भैया वो नशे में हो गया। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि ऐसा नहीं कि जनता वोट देना नहीं चाहती, जनता वोट देना चाहती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने 400-500 लोग वापस लौट गए बिना वोट दिए हुए, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। वो वोट देना सच में नहीं आए, वो वोट देना चाहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से वोट नहीं दे पाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वोटर लिस्ट लोग अपडेट नहीं कराते, रहते कहीं और हैं, बनवाते कहीं और जब जब BLO अधिकारी आते हैं तो उनसे मिलते नहीं हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब BLO वाले घर में जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए तो घर वाले नहीं मिलते, घर पे लोग नहीं मिलते हैं या लिस्टें अपडेट नहीं होती हैं, क्योंकि जो मर गए उनके नाम नहीं आते हैं, लोग हटवाते नहीं हैं, और जो अभी नौजवान चीज़ों में अपनी जागरूकता नहीं दिखाता। जी ये बात तो सत्य है कि जिंदा इंसान परेशान है, वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहा है और मुर्दे लोगों के नाम आ रहे हैं। तो भैया मुर्दे लोग कैसे वोट देंगे? जिंदा इंसान तो दे नहीं पा रहे, मुर्दे लोग कैसे देंगे? तो इसमें लोग कोसते हैं BLO वालों को कि उनका नाम नहीं आया, तो बिल्कुल प्रशासन को कोसता है, लेकिन प्रशासन की कोई गलती थोड़ी, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। तो आपने आपके इस आंसर से हम सहमत हैं कि लोगों का जागरूक ना होना भी एक बड़ा रीज़न है वोटिंग प्रतिशत गिरने में, तो इस बात से हम सहमत हैं। तो हम आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए और पता कीजिए वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है। BLO के अधिकारी जब आपके घर पर आते हैं तो उनको सही इन्फॉर्मेशन दें। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्राइवेसी के डर से, सही करो ना भाई, प्राइवेसी के डर से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं कि कहाँ दी जा रही है, तो इसकी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो पापा की जगह पे नाना का नाम आ जाता है, नाना की जगह पापा का नाम नहीं कहा जाएगा रिपोर्टर से, हाँ तो आ जाता है। हम भाई प्रति जागरूक हो जाइए और सही से इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो हो सकता है अगली बार आपको भटकना ना पड़े। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार 50% से ज़्यादा और ज्यादा 70%। तुम काहे लोपड़ी कर रहे हो इतनी देर से भाई से? हाँ भैया हम इंटरव्यू ले रहे हैं। बहन जी आप आराम से इंटरव्यू। अरे फिर इनकी बहन जी आ गई यार, इसकी बहन को मिला यार कोई। तो हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को जागरूक होने की हम कामना करते हैं, आप जागरूक हो जाइए, वोटिंग लिस्ट में नाम है नहीं है इसका पता कीजिए, हर बार BLO अधिकारी इसका जिम्मेवार नहीं। तो उम्मीद करते हैं अगली बार ज्यादा वोट पड़ेंगे और हम सोने के देश आगे तरक्की करेगा। हमारा तो अंधेरा काफी हो चुका है, इनके नशे की ज्यादा चढ़ गई है और ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। ए भैया तुम अपना बढ़ा लो, यहाँ से बहुत जल्दी सोने दो। ठीक है चलते हैं, जय हिंद।